तो गाइस अभी फोन लगा के हां प्रणाम में तो काल प्रणाम कैसे है क्या हाल है का गुड न्यूज़ आ रहा है क्या बात है हेलो वाइट फैमिली आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज का ये वाला ब्लॉग आप लोगों को गुस्सा प्यार मोहब्बत और बहुत सारा चीज इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आज हम लोगों ने किया है भाभी को कॉल और वो सच जानने का भी आप लोगों को भी इंतजार होगा। तो चलिए गाइस वीडियो को लेकर चलते हैं आगे और आप लोग म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था आप लोगों को तो अब म्यूजिक वीडियो में नहीं रहेगा। तो चलिए आप लोग खुश हो जाइए और चलिए दिखाते हैं वीडियो और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा मैंने सिमी के लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाया है जो कि सिमी बहुत ही ज़्यादा अब बड़ी हो रही है। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो में और मम्मी से ही बात करवाते हैं कि वो क्या प्लानिंग की है गृह प्रवेश, क्योंकि घर बोझ बहुत लोगों को नहीं पता है जो बिहार के होंगे। शायद बिहारी में हम लोगों के जगह पे घर बोझ बोला जाता है जब हम लोग अष्टजाम भी करवाते हैं जिसमें हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये है हम लोगों का लाइनिंग और इन इस गाना के मतलब इस भजन के बिना कीर्तन के अलावा या कीर्तन के बिना जो घर में जो होता है ना मतलब हम लोगों के बिहार के साइड और यूपी के साइड झारखंड के साइड बहुत सारे जगह पे मैक्सिमम ये टोन बजने के बाद से बहुत ही शुभ माना जाता है जिसमें हम लोग को बहुत ही अच्छे से पता है कि इसमें वो भी पढ़ा जाता है गीता ना मम्मी कि रामचरितमानस होता है अध्याय होता है तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो क्योंकि मम्मी यहाँ का करवाई है फिर गांव का करवाई है फिर एक बन रहा है फिर एक बना हुआ है फिर एक बनने वाला है मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है और फिर एक बनेगा तो पता नहीं। अभी चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आने वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में तो भाभी क्या ही बोली है आप लोग सुनते चलिए। हमारे झूठ बोल रहे हैं उस दिन हम लोग बात किए हैं तो बोल रहे थे कि हम लोग मंगा लिए हैं चेन्नई से आ रहा है एक पार्सल आ गया है उसमें दो मोटर लगेगा। पहले नंबर तो आप लोग बताए नहीं कि उसमें क्या फॉल्ट है क्या गड़बड़ है कितने का हमारा अमाउंट लगेगा उसमें। आप लोग बिल बनाते जाएंगे तो हम गाड़ी छोड़ दे रहे हैं। आप दाम लगा के मेरा गाड़ी का पैसा कितना बन जाएगा हमको लौटा दीजिए। हम बोल देते हैं दो मोटर के इशू है दोनों मोटर हम बोलते हैं गणेश को आपको उसका 500 बता देगा आपको अभी तक लगा है गाड़ी में हम बोल देते हैं उसको प्री वाइज करके वो बता देगा। वो नहीं ना बता रहा है हम लोग कितने बार पूछ चुके हैं आप लोग अमाउंट ज्यादा बोलेंगे पैसा ज्यादा बोलेंगे तो फिर हम गाड़ी कहाँ से पैसा दे के लाएंगे। अमाउंट ज्यादा नहीं जाएगा हम लोग हैं ना काले परेशान हो रही है तो हमारा गाड़ी कब तक मिलेगा ये बताइए। ठीक है पे कर दीजिएगा बोल जेरी का दे दीजिए वो पेडिग्री चाहिए तो स्टार्टर ही जाएगा अब तो थोड़ा बड़ा हो गया कितना दिन की हो गई। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं वक्त सिमी का माला भी ले रहे हैं बहुत इधर उधर घूम ली और क्योंकि उसको वॉक पे भी लेके जाना है ना तो इसलिए और लड्डू क्या किया था कि पूरा पेटिगरी में पानी डाल दिया था इस वजह से उसको खाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो फिर से मैं एक पेटिगरी लेने आया हूँ यहाँ पे और लेने के बाद से मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे और उसके लिए एक तो रस्सी भी दे दीजिए रस्सी भी ले लेता हूँ यहाँ पे इसका सब सामान है तो इसमें से मैं रस्सी ले लेता हूँ और उसी के साथ साथ एक पेटिगरी भी ले लिया चैन उन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पट्टा ही। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे आ गया पिज्जा स्लाइस में क्योंकि सोच रहे हैं दीदी बहुत दिनों से बाहर नहीं आई है तो उसको पसंद है पिज्जा स्लाइस का वाइट पास्ता तो चलिए उसको खिला देते हैं मस्त बना। तो गाइस अभी घर पे आ गए थे तो घर पे आने के बाद से सिमी जो है यहाँ पे देख सकती हैं कितना मतलब देख सकते हैं लोग कितना खेल रही है और इसका खाना अब हम खिलाए हैं इसके बाद से एकदम मस्त हो गई है क्योंकि ना इसका खाना एकदम बर्बाद कर दिया था लड्डू महा से यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मम्मी भी यहाँ पे मस्त बैठी हुई है अभी आप लोगों को दिखाते हैं
और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए कॉटन साड़ी का कलेक्शन में। मम्मी को नहीं लगा था इतना प्यार मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, टायर्ड हो गई थी सुबह से ही, मतलब उसको फोल्ड करना, फिर उसको सब कुछ करते करते। तो गाइस अभी फोन लगा, ठीक है आ था पंडित जी, पंडित जी नहीं आते कब? अच्छा कहाँ हो तुम? उधर गर्मी पड़ रहा है, थोड़ा सा। ओ अभी सामान मंगाए, फिर कोरिए जीरा मिर्च मंगाइए। का जी भाभी प्रणाम, तो क्या गुड न्यूज, गुड न्यूज आ रहा है, क्या बात है? अरे वीडियो पे वीडियो बना रही वीडियो है पे वीडियो, गुड न्यूज, गुड न्यूज क्या है? सुनो ना तुम्हारा पेटवा सही में ऊंच लग रहा है। सबसे पहले आपको बताएंगे भौजी के मन काल है। नमस्ते आंटी। हाँ खूब खुश रही है, क्या हाल है? ठीक है जी, आप सुनाओ कब आ रहे हो, हम तो वेट कर रहे हैं। आएंगे। अच्छा, मैं खुद कह रही थी मनीषा को ना, मैं कि उस घर में जाओगे नहीं, ठीक है हम ले आकर रख लेंगे, वो सब घूमते रहेगा सब। सही बात है, बस ये उसका पेट निकल रहा है, पूरा वीडियो में बोल रहा है सब गुड न्यूज है। हाँ तो भाभी डीजे हुआ है कि ना? अभी तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, अभी पांडी जी को ढूंढ रहे हैं। पांडी जी को लेके आए लोग क्या यहाँ से? नहीं यहाँ बैठे हुए तो भाभी जी कह रहे थे रुक जाओ अम्मी एक बार पता करते। सुनो ना जो ब्लॉगर नहीं बना रहे थी लो हम लोग का। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे घर पे बन रहा है पनीर का सब्जी, और दीदी बना रही है अपने हाथों से और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। बाकी सब कैसे बनाते हैं? एक बार हम लोग इसी तरह स्टोरी भी बनाए थे लोग कि क्या बनाए थे लोग कि दिन एक पैर पे खड़ी है। हाँ एक पैर पे खड़े रहती है तब तक जीजू बोलते हैं क्या दूसरा पैर नहीं है क्या। तो बस पनीर का सब्जी बनाने के लिए इतना तेल डाल देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से इसमें आँख में भापवा देना चाहिए पूरा। आँख में पानी निकल रहा है। तो आप लोग बताइएगा ऐसे ही फ्राई करके खाते हैं कि ऐसे ही डाल देते हैं शाही पनीर के लिए? चलिए। तो गाइस आप देखिए इतनी बड़ी है मम्मी और क्या कर रही है बच्चा का काम, मस्त यहाँ बैठ के घर बनाती। और ये चेयर है डाइनिंग टेबल और ये टेबल है, तो इसमें चार आदमी बैठ के खाएगा खाना। देखिए लड्डू खेल रहा था। पर हम लोग तो मम्मी अभी पांच आदमी है, पांच आदमी अभी नहीं, छह आदमी हो जाएंगे। पांच आदमी कहाँ, फिर सात आदमी, वो तो हो नहीं है। हम लोग का पांच फैमिली है, कौन कौन ऐसा बोलेंगे तो फिर आप सोच में पड़ जाती हैं। चलिए गाइस, भैया भाभी भाभी हम पापा हम पहले फर्स्ट में हम पापा भैया भाभी पूजा प्रदीप लड्डू प्रिंस और आने वाली बहू। चलिए तो इसमें तो चार बनाए हैं। अब आप लोगों को बताते हैं हम लोग कि मम्मी जो है जो साड़ी दी है बहुत ही खूबसूरत, मतलब साड़ी नहीं है इस बार, कुछ यूनिक होने वाला है। बस आप लोग देखते जाइए कि क्या पहनेंगे घर पहुंच पे, और वहां जाने के बाद से तो भाई माहौल ही कुछ और हो रहा है, देखते रहे। बहुत लोगों का जो है मम्मी सुनी है कि बहुत लोग यहाँ से जाने वाला है, मजा आने वाला है इस बार। तो कैसा लग रहा है मम्मी अब? बुआ लो तो कल ही पहुंच जा रहे। गाइस आप लोगों को बता देते हैं मम्मी का एक प्रॉब्लम अभी खत्म हो रहा है थोड़ा बहुत, तब तक आंख में फिर से निकल रहा है। नो वीडियो में नो चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद से तो इसका उपाय हम बता सकते हैं आपको, पता ही आप ही बताइए हमको कि यहाँ पहले हम लोगों के पीछे ताड़ का एक ठो पेड़ था, वो भी हट गया है। उसमें बोलते थे लाल डिब्बा ले लो ना, हम अपन अखिया दे दा हमार अखिया ले लो। अब वीडियो में हम देख नहीं रहे, आंख बंद करके बना जाता है तो ठीक हो जाता है। तो मम्मी आज आपका तो पूरा
मतलब मूड फ्रेश हो गया होगा चपेते चपेते आज तो। हाँ कपड़ा वपड़ा सब किया है और बहुत सारा सब बेडशीट सब धुलाया है। तो ऐसा है कि सचिन से बात भी किए है। कैसा लगा भाभी से बात? मनीषा से भी बात किया है, कुछ जरूरत था ये उन लोगों को सामान। पंडित जी अभी आए नहीं है वहाँ, जो आके बता देंगे पंडित जी के क्या क्या लगेगा पूजा का सामान, तो सब सामान हम खरीद के मंगाएंगे। और जो जरूरी का सामान होगा वो अपने घर का पूजा पाठ में लगता है। तो और आप आज गुस्सा का हो गई थी मम्मी गाड़ी वाला पे गाड़ी वाला आज एक मंथ से ले गया है मेरा गाड़ी, इतना दिक्कत हो रहा है हम लोग को कहीं जाना आने में, शादी ब्याह में चाहे कहीं घर पे भी हम नहीं जा पाए इस बार तो। और पूजा का ऐसा समय है कि इस समय गाड़ी का रहना जरूरी है घर पे, तो इसीलिए गुस्सा आ रहा है। फिर हम लोग चले जाएंगे तो 5-6 दिन उधर रुक जाएंगे, 4 दिन, तो कहीं कोई बात हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी रहने से क्या फायदा, इसीलिए उस पर हम गुस्साए थे। और गाइज आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अभी सुबह कल से पापा शाम में गए हुए हैं और पूरा लाइटनिंग का काम हो गया है, आप लोग जब देखेंगे तो चौंक जाएंगे। वहाँ पानी टंकी वगैरह का सबका वायरिंग का काम चल रहा है। मम्मी इतना ज्यादा घर बन गया है, कहाँ रहिएगा? वही तो हम कभी कभी सोच रहे कि यहाँ का जा रहा है तो यहाँ गंदा हो जा रहा है, वहाँ नहीं रह रहे हैं तो वहाँ हो जा रहा है। अब गाँव पे पेंट हुआ है जो घर है उसका, फिर हम सफाई अभी नहीं किए हैं, पेंट करके पेंटर लोग कर दिया है लेकिन हम सजाए उजाए नहीं है घर। तो गाइस आज बोल रही थी मम्मी कि हमको 3 टुकड़ा में बांट कर लो एको सही बात है, गांव में रहे हम कि एजा रहे हम कि अंबाला रहे हम कि कहां रहे। तो चलिए अब आप लोगों को मैं कल का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, कल मम्मी दिखाने वाली है अपना कि क्या भी क्या ज्वेलरी पहनने वाली है घर भोज पे और कौन सा साड़ी। दिल ये दिखाते हैं, वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा कमेंट करके भर दीजिए। और क्या है कि इसमें आप लोग को पता चल गया है नहीं तो गाइज आप लोग चलिए।